गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे सर कल परमिशन, क्या मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ? सर कल का एक क्वेश्चन करवा यस दीजिए। सर। तो कल का जो क्वेश्चन है, क्या हम कल डिस्कस कर सकते हैं? बिकॉज आज सिर्फ 1 घंटे का ही क्लास है, तो समय बहुत कम है। जो टॉपिक मैंने आज सोचा वो खत्म नहीं होगा शायद। ठीक कल 1.5 घंटे की क्लास है ना, कल हम डिस्कस कर लेंगे उसको। आज हम आज का ओके टॉपिक खत्म करने की कोशिश, अगर जल्दी खत्म होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ आज बात की सिस्टम्स के बारे में। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, इसे कुछ बेसिक चीजें हम बात करते हैं। पता होगा आपको चीजों के बारे में, फिर बताइए आप। एक होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग और एक बेसिक टर्म है यूनिवर्स। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या है, उनके इंटरकनेक्शन के आपस में? सर। सिस्टम वो सराउंडिंग्स होता है जिन्हें आप इफेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका उन पर इफेक्ट होता है और उनका आप पर इफेक्ट होता है। सराउंडिंग तो मैं इफेक्ट कर सकता हूँ। सर सिस्टम में रिएक्शन अकर होता है और सराउंडिंग सर सिस्टम में उसका बाहर रिएक्शन का जो अकर मतलब। होता यस है। सर। सिस्टम और सराउंडिंग हीट एक्सचेंज, हीट और एनर्जी एक्सचेंज। करते हैं। वेरी गुड। और सर सराउंडिंग्स इन जनरल होता है एंड यूनिवर्स बता मतलब रहा हूँ, काइंड है। एक ही मिनट है, मुझे आपका आवाज बहुत लो आ रहा है, तो मैं एक बार डिस्कनेक्ट और फिर कनेक्ट होता हूँ। नॉट प्रॉब्लम। मुझे मंजू जी को मैं बनाता हूँ होस्ट। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। मुझे होस्ट बनाए मंजू जी, ये बताइए आप बोलिए अभी, देखते हैं आवाज आता कि नहीं आता है। हेलो सर। यस सर। क्रिस्टल क्लियर आ रहा है अभी। हाँ, कल देख लो आप ऑडियो प्रॉब्लम। अब साहब है, बहुत लोगों ने एकदम मतलब अच्छा आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड, करेक्ट। कुछ टेक्निकल आंसर्स से कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आंसर, वेरी गुड। अब देखिए, आप जो है ना, आप बोल रहे हैं, आप मतलब हम सभी, अगर हम खुद क्या है, सिस्टम। हम क्या है? सिस्टम, अपने आप में सिस्टम बोल सकते हैं, जिस सिस्टम के अंदर हजारों लाखों रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट? हमारे बॉडी के अंदर हो रहे कि नहीं हो रहे? तो वी आर द सिस्टम। अगर हम सिस्टम है, अगर मैं बोलता हूं मैं सिस्टम हूं, ये मैं हूं, और मैं अगर सिस्टम हूं, तो सराउंडिंग का डेफिनेशन साइंस में पढ़ा होगा हमने, एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, है ना? एवरीथिंग अराउंड अस सराउंडिंग। तो हमको छोड़ के बाकी जो भी चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? सराउंडिंग के अंदर आता है। मेरा सराउंडिंग है, मेरा सराउंडिंग मतलब मैं क्या बन गया है? सिस्टम बन गया। जब मैं बोलता हूँ मेरा सराउंडिंग, देन आई बिकम सिस्टम। अब तुम भी यहाँ पे हो, तुम भी मेरे सराउंडिंग के अंदर ही आते हो। अगर रेफरेंस मैं हूं, तो मुझे छोड़ के बाकी सब चीज क्या है? सराउंडिंग है। अब यूनिवर्स क्या है? ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों यूनिवर्स के अंदर ही है ना, दोनों ही यूनिवर्स के अंदर है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, दिस एंटायर थिंग इज यूनिवर्स। यूनिवर्स में ही हम हैं और हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो और टेक्निकली ले, कुछ किसी ने बोला सिस्टम सराउंडिंग इंट्रैक्शन कैसा होता है, ट्रांसफर ऑफ मास होता है, हीट होता है, वेरी गुड। वो भी तो क्या है, टेक्निकली बात करें, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मान ये कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, मान लीजिए यहाँ पे अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम क्या बोलेंगे?
सिस्टम बोलेंगे, और जो बाहर जो भी एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है क्या है, सराउंडिंग है, और दोनों मिला है क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिवर्स। यूनिवर्स समझ में आ रहा है सर, मतलब यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग है। या सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, ठीक है, एकदम बेसिक वाली बात। अब हमें बात करना है यहाँ पे सिस्टम्स के बारे में। हाँ, जो सिस्टम्स है वो वहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स बात करते हैं। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। अच्छा, इन तीनों का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। क्या इस मीनिंग ओपन, हाँ बोलिए बोलिए सर। ओपन में हीट और एनर्जी एक्सचेंज हो सकते हैं, क्लोज में सिर्फ हीट होगी, और आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकेंगे सिस्टम और सराउंडिंग में। पता है यार, तुमको सब पता है, तुम्हारा स्कूल में हो चुका है क्या? यस सर, सर टेस्ट हो गया ना चैप्टर का हमारा। अच्छा सर, मुझे कुछ नहीं आता है इसका। ठीक है, हमें भी नहीं आता। मैं आपको इधर उदाहरण देके समझाता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज समझ रहा हूँ कि जिनका हो गया उसको आंसर कर, नहीं हुआ उनको नहीं पता। तो मैं फर्स्ट टाइम से पढ़ा, वैसे पढ़ाता हूँ, एक उदाहरण दू इस चीज का। तो मान लीजिए आप देख रहे हैं कि, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में आ गया और आप देख रहे हैं कि सर जो है ना सुबह से लेकर शाम तक लगातार कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे हैं, सर तक जाते होंगे, और अथर्व ने क्या किया, बोले सर के लिए हर दिन हम क्या बोलते हैं, अदरक का चाय ले जाएंगे, है ना, थोड़ा गला उनका साफ होगा। यस सर। तो अथर्व ने मेरे लिए अदरक का चाय लेके आया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं इतना मग्न हूँ मेरे पढ़ाने में कि उसने लाके दिया तो, पर मैं तुरंत पीता नहीं हूँ, है ना, कभी कभी हम काम मग्न हो जाते हैं ना, ऐसे चाय रखा रहता है बाजू में, तो उससे क्या होगा, अब ये चाय कुछ समय क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? यस सर। यस सर, गरम गरम चाय था, ठंडा पड़ गया। अब ध्यान देना, दो बातों को हम देखेंगे यहाँ पे, एक होता है मास और एक होता है हीट, एक होता है मास और एक होता है हीट। इन दोनों ट्रांसफर के हिसाब टेक्निकली हम बात करेंगे, मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। अब बताओ, अभी ये चाय खुला हुआ कप है, जो आप खुला दिख रहा है, क्या इसमें से सिस्टम में से सराउंडिंग के अंदर मास का ट्रांसफर हो रहा है क्या? मास मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे, तो मास ट्रांसफर बोलेंगे ना? यस सर, हो रहा है सर। मॉलिक्यूल्स जो है वेपर के फॉर्म में बाहर जा रहे हैं, है ना, तो अगर पहले जो मास उसका था जब उसने लेके आया था, मानो उस टाइम 5 ग्राम था, तो 10 मिनट के बाद जब पीऊंगा तो 5 ग्राम रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा सर, कम रहेगा। तो हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ तो कहां चला गया? इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, कन्वर्टेड सराउंडिंग के अंदर चला गया वो सराउंडिंग अनदर फॉर्म, वो सिस्टम से सराउंडिंग में चला गया, वेपर्स के फॉर्म में चला गया, तो क्या वो ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो गया? क्या हीट ट्रांसफर हुआ? अरे यस सर, गरम गरम चाय ठंडा पड़ गया, बिकॉज हीट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, वो हीट क्या हुआ, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गया, इसीलिए सिस्टम का हीट कम हो गया। मतलब ओपन सिस्टम में मास का भी ट्रांसफर होता है, हीट का भी ट्रांसफर होता है, वही बंदा बोल रहा था, बता रहा था। अगर हम, अब क्या हुआ, कल्पना ने देखा, कल्पना क्या बोली, उसने कल्पना किया, क्या कल्पना किया, भाई देखो सर जल्दी पीते नहीं है, और अदरक लाया तो पर ठंडा पड़ रहा है चाय, तो कल्पना ने अगले दिन क्या किया, अपने घर से क्या लेके आया, थर्मस, थर्मस नहीं सॉसर, क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन डालते हैं ना, ढक्कन, हाँ सर ढक्कन, मैं भी ढक्कन ही बोलने वाला था सर, इन्होंने थर्मस बोल दिया। उसने एक ढक्कन लेके आया अपने घर से, और ढक्कन ढक देते हैं, है ना, ढक्कन इसको ढक देते हैं। कल्पना इस उदाहरण की बात, यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओरिजिन तुम लेके आओगे शायद थर्मस, एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो इसने ढक्कन लेके आया, अब इस ढक्कन से क्या हुआ बताओ,
चाय जो है ठंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? पड़ेगा पर भी नहीं पड़ेगा, टाइम लगेगा ठंडा पड़ने में, स्लो पड़ेगा है ना, ठंडा लगेगा उसमें, स्लो लेकिन मुकाबले अभी थोड़ा स्लोली होगा, उतना जल्दी ठंडा नहीं पड़ेगा है ना, पर ठंडा पड़ तो रहा है ना, उसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर स्लोली हो रहा है एज कंपेयर टू सिस्टम, बट हो रहा है, पर हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द मास, क्या मास ट्रांसफर होगा? नो सर, नो सर, नो सर, बिकॉज जैसे वेपर्स उनके ऊपर जाएंगे वो ढक्कन को लगेंगे, कंडेंस होके वापस से उसी में आ जाएंगे, मतलब बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज सिस्टम है, मास को बाहर निकलने का जगह इधर नहीं है, वेपर्स बनके वहीं पे अटक जाएंगे, वहीं पे कंडेंस हो जाएंगे, मास का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ सिर्फ हीट का ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब भाई यस सर, अब जो है ये देखा भाई, ऐसे केस में भी ठंडा तो पड़ ही रहा है, कम ठंडा पड़ रहा है, बस सर बहुत देर ले रहे हैं, बहुत इतना टाइम सर लेते हैं लेक्चर, तब तक तो ढक्कन डाल के भी कोई फायदा नहीं है, ये समझ के अपना शिवम ने क्या किया, क्या लेके अगले दिन उसने थर्मस, थर्मस ले गया, थर्मस ले गया शिवम भाई साहब ने भाई अपने लिए थर्मस ले गया। सर थर्मस को बाल क्यों लगाए? अबे थर्मस को बाल नहीं लगाए, ये वो है गले में लगाने के लिए। अच्छा 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 इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा है। हाँ सर किसी को भी बाल लगा दिया। अच्छा तब थर्मस का काम क्या है? थर्मस जो है ठंडे को ठंडा रखता है, गरम को गरम गरम। उसका मीनिंग क्या है? जिस टेम्परेचर में उसको आप रखोगे वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंसुलेशन है। यहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं थर्मस दिखने बहुत बड़ा दिखता है, अंदर बहुत कम है ना कैपेसिटी रहता है उसका, बहुत थोड़ा डालो भर जाता है, और बहुत सारा नीचे बीच में स्पेस होता है, इतना ही रहता है उसका ग्लास अंदर छोटा सा, ये पूरा स्पेस जो है यहाँ पे इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन क्यों होता है? ताकि यहाँ पे जो हीट है वो बाहर जाए नहीं। अगर यहाँ पे इंसुलेटर है तो इंसुलेटर जो होता है वो तो हीट उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होगा ना, इट विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, तो उसने यहाँ पे इंसुलेशन कर देते हैं, तो हीट पास होने कोई संभावना नहीं। हाँ पर आजकल तो थर्मस निकलते बहुत डुप्लीकेट वाले है ना, बहुत सारे डुप्लीकेट वाले, देखो आप उसमें डालो चाय गरम पर ठंडा पड़ने वाला है। हाँ सर 24 आवर्स के बाद सस्ते वाले होते हैं, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि सस्ते वाले नहीं उतना परफेक्ट वो नहीं है, उतना अच्छा मटेरियल यूज नहीं करते हैं, सस्ता मटेरियल यूज करते हैं तो अलग बात है, उसमें नहीं जाते हैं सर। लेकिन हम कितना भी अच्छा मटेरियल यूज करें कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो हीट चली जाएगी ना बाहर थर्मस से भी। हाँ मतलब क्योंकि उतना अच्छा मटेरियल हमारे पास, ऐसा कोई परफेक्ट इंसुलेशन हमारे पास नहीं है ना, तो कोई भी सिस्टम परफेक्टली एनर्जी के एंट्रोपी को कंजर्व नहीं कर सकता, 100% परफेक्ट सिस्टम बना ही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स का हमारा जो लॉ है ना, हम पढ़ेंगे आगे, तो देयर इज नो सिस्टम which is going to give, अगर physics के terms में बात करूँगा, chemistry में तो definition अलग से हमारे laws different है, अगर physics में law हम तरुण से पढ़ते हैं, there is no machine which can give 100% efficiency, ठीक है, 100% efficient machine वो सिर्फ ideal machine होता है जो hypothetical या क्या बोलते हैं theoretical होता है, practically imaginary, ठीक है। अब इस case में क्या होगा, क्योंकि thermal ढक्कन भी रहेगा ना, इसको ढक्कन लगाया मतलब by default ये क्या है, क्लोज सिस्टम भी है, एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज बाय डिफॉल्ट क्लोज सिस्टम आल्सो, ढक्कन लगाया हुआ है, इसीलिए कोई मास तो बाहर जाने वाला नहीं है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट किस यूज करते हैं हम, ताकि हीट ट्रांसफर भी ना हो, उसी या दोनों ही नहीं होगा, तो बेसिक डिफरेंस तीनों में यही है, ओपन सिस्टम में हीट और मास दोनों का एक्सचेंज होता है फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ हीट का होता है एक्सचेंज, और आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर, या सर।
तो ये चाय वाले एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, नोट कर लिया? यस सर। हाँ सर। यस सर। एग्जांपल भी नोट करना है। ड्राइंग के डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना, डेफिनेशन की ऐसे लिखेंगे ना, इट्स ओपन सिस्टम है, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट द मास विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मास नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन ये सिंपल है ना, लिख लेंगे ना सर, हमने तो टिक क्रॉस कर दिया सर, मैंने भी टिक जैसा ही लिखा है, वो समझ गया सर। हां मतलब आप खुद अपने से बना सकते हो ना, डेफिनेशन जरूरत है तो। यस सर। यस सर। डिफिकल्ट चीज नहीं, डिफिकल्ट तो लिखाऊंगा मैं तो कुछ। अब देखिए ये सिस्टम के टाइप्स हो गए। अब सिस्टम में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मतलब क्या सिस्टम किस स्टेट का है ना, वो आंध्रा का है, चेन्नई का है, महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, बराबर करने वाले स्थिति भी होती है, स्थिति उस कंडीशन को बोलते हैं, स्थिति को बोलते हैं स्टेट। हम उस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा माइंड का स्टेट तो अलग है, कभी टेंशन में रहता है, कभी खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, वो अलग स्टेट्स होते हैं, इमोशनल होता है, इमोशन से बेस्ड है। पर यहाँ सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, इसका स्थिति को पहचानने के जो पैरामीटर्स है वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसका स्टेट ऑफ सिस्टम जो है एक मेजरेबल प्रॉपर्टी से हम मेजर करना पड़ता है, बिकॉज जो इमेजरेबल से कोई फायदा ही नहीं है। तो जैसे कि स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लीजिए सिस्टम है एक अभिजीत का एक भजन कर रहा है वो। हाँ ना यार, कभी कभी क्या क्या करता रहता, भगवान जाने। अभी तो रेगुलर बेसिस पे होता है, वीडियो चालू रहता है, कहीं बच्चे से खेलता रहता है, कहीं भजन करता है। सर सॉरी डाला उसने। नहीं नहीं वो मजाक कर रहा हूँ मैं, जान पूछ के नहीं करता है वो, हो जाता है उससे, चालू हो जाता है। पर क्या क्या चलता है घर में उसमें, अमेजिंग बात ये है उसके घर में इतने सारे एक्टिविटीज के बीच में बैठ के पढ़ाई कर रहे, देखो वो बोल रहा हूँ। Anyhow, coming back here, मान लीजिए इनिशियली जो है एक सिस्टम आपके पास है, आपने मेजर किया उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आपने देखा टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और नंबर ऑफ मोल्स N1 थे। पर मान कुछ समय के बाद आपने वापस से मेजर किया, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बताओ सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नो सर, स्टेट चेंज। तो हमें चार प्रॉपर्टी को देख के सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इन चारों में से अगर मान लीजिए कोई एक भी प्रॉपर्टी बदल गया, इफ एनी वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल चेंज, वी विल से दैट अ स्टेट ऑफ सिस्टम हैज चेंज्ड। इफ एनी वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए T1, P1, V1 है पर N2 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे,
हाँ स्टेट चेंज हो गया है, कोई एक या एक से अधिक, एक भी मतलब उसका मतलब कि ज्यादा भी हो सकता है, एक दो तीन चार, एक भी अगर बदल गया तो हम बोलेंगे स्टेट क्या हो गया इसका, बदल गया। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर हाँ जी सर, ये टी पी वी एन उसका क्या शॉर्ट मींस एब्रिविएशन है? टी मतलब टेम्परेचर जी, सर एंड नंबर ऑफ मोल्स है क्या? हाँ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, इनमें से कोई एक ही बदल सिस्टम का तो हम सिस्टम का स्टेट बदल गया ऐसे बोलेंगे। नोटेड एवरीवन? यस सर। यस नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। एक्चुअली बात करो ना, जो भी प्रॉपर्टी आप बोल दो, टेम्परेचर बोलो, प्रेशर बोलो, वट एवर यू से, मास बोलो, एनर्जी बोलो, डेंसिटी बोलो, विस्कोसिटी बोलो, वट एवर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल वी सी, वट एवर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी सी वी स्टडी, all these can be called as thermodynamic properties, all these properties can be called as thermodynamics properties only, ye sabhi thermodynamic properties hi kehlate hain, theek hai, parantu ye sabhi jo thermodynamic properties hai, temperature, pressure, volume, energy, mass, hai na, viscosity, density, refractive index, enthalpy, entropy वगैरह वगैरह जितने भी, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, अफकोर्स दो अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन है, दोनों क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे, दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज का। पहला क्लासिफिकेशन से हो सकता है एज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, दिस प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, this is one classification. Second classification is they can be classified as intensive properties and extensive properties. ये दो प्रकार का classification हम कर सकते हैं उन्होंने properties का. Let us see one by one. लीला का? यस सर। यस सर। यस सर। पहले बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। पहले समझाता हूँ फिर लिखेंगे इस केस में। मान लीजिए, किससे एग्जांपल लूं? हाँ अथर्व। हाँ सर। रितेश रितेश कर लो। हाँ यश रितेश बोला सर। अच्छा रितेश, नहीं रितेश इंटरेक्ट नहीं करता है ना यार, बुरा लग जाएगा। अरे इंटरेक्ट ले लो सर, मेरा ले लो सर। हा? अच्छा एग्जांपल है तो मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा भी ले लो सर, अभी सब मेरा सबका ले लो जाएगा। मेरा फोन है रुपए सूरज सर, आपकी मर्जी। सूरज का एग्जांपल ले, सूरज हम सूरज का एग्जांपल लेते हैं। यस सर। इसने बोला सूरज, अरे ये सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अपने क्लास सूरज की बात कर रहे हैं, है ना, क्लास वाले सूरज की बात कर रहे हैं। ओ वाह सर, क्या सर
अब तो आर्टिस्ट हो क्लास वाले सूरज की बात तो कर रहा है वाला सूरज तो मान लीजिए सूरज जी जो है ना उसका घर यहाँ पे है और यहाँ पे अपना क्लास है चैतन्य ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्लास है मान लेते हैं। अब घर से क्लास को आने का रास्ता इसका एक रास्ता ऐसा है और एक रास्ता इसका जो है ना ऐसा भी है ठीक है क्या लगता है आपको सूरज इस रास्ते से क्लास को हर दिन आता है कि इस रास्ते से आता है सर सेकंड वाले सर बहुत टाइम पास करता है सर सेकंड बहुत टाइम पास करता है सर सेकंड वाला ही है मतलब आपका भी एक तजुर्बा बहुत अच्छा है हाँ सर तो सूरज जो है ना ये रास्ते से घर को क्लास को आता है क्यों आता है बता दूंगा मतलब क्लास बंक करने ऐसा कुछ नहीं है ठीक है हाँ देखिए अब देखो सूरज भाई यहाँ से इसलिए आता है बिकॉज यहाँ पे एक और घर है जो बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है सूरज के लिए बहुत महत्वपूर्ण घर है I'm kind of understanding this. सर साहिल का घर है समझ भी होता है सर समझ गया घर है सर ठीक है ना सूरज के लिए घर बहुत महत्वपूर्ण क्यों बताऊंगा नहीं मैं आप समझ जाना ठीक है अब देखिए एज ए टीचर ना एज ए टीचर क्या मुझे इससे कोई मतलब है क्या कहाँ से आता है वो मुझे किससे मतलब है मुझे इससे मतलब है क्या घर से निकला क्या क्लास में पहुंचा है ना क्या वो घर से निकला क्या वो क्लास को टाइम पे पहुंचा उतना ही मतलब है ना यस सर मुझे उससे अलावा कुछ चाहिए नहीं पर जो सूरज के पेरेंट्स है उनको मतलब है कि नहीं है यस सर नहीं है उनको तो मतलब है वो कैलकुलेट करेंगे टाइम बोलेंगे जब यहाँ इस रास्ते उनको पता है रास्ता है ये 2 मिनट का रास्ता है पर ये घर से निकल 2 घंटे पर निकलता है ना ये क्या करता है ना किस रास्ते सूरज भाई अपना जाता है स्पेशली मतलब तब होगा उनको जनरली ऐसे पूछेंगे नहीं पर उनको तब मतलब होगा जब डाउट आएगा उसके ऊपर जब अतर हो जाए कुछ चुगली करेगा घर पे उसके नो सर मैं नहीं हूं चुगली को सर वो मजे करता है सर बता रहा हूँ यार हाँ सर मैंने भी मजाक में लिया सो पेरेंट्स के लिए मतलब है मान लीजिए यार इस एग्जांपल के समझाने के लिए तो बताओ मैं जो हूँ ना जो टीचर है ना वो क्या पता है कि आपके लिए अगर सूरज सिस्टम है अगर सूरज यहाँ पे इस एग्जांपल में सिस्टम है तो टीचर जो अगर टीचर पेरेंट मान लेते हैं ये हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है हम सूरज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इसके लाइफ में तो टीचर जो है ना वो कैसा है पता है कि स्टेट फंक्शन है वो क्या है स्टेट फंक्शन और पेरेंट जो है ना वो कैसा है वो पाथ फंक्शन है क्लिक होगा आपको इस बात देखो पेरेंट को घर से निकलने और क्लास पहुंचना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, है सर पर उसके साथ ही साथ वो बीच रास्ते में कहाँ जाता है क्या करता है वो भी ध्यान देते हैं ध्यान देना चाहिए एक्चुअली में पर आजकल पता नहीं क्या होता है पेरेंट ध्यान देते ही नहीं देते देना चाहिए तो पेरेंट के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट भी इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से निकला कहाँ पहुंचा और वो कैसा गया वो भी इम्पोर्टेंट है पर टीचर के लिए वो सिर्फ निकला क्या पहुंचा क्या इम्पोर्टेंट है कहीं से कोई कुछ मतलब नहीं है तो यहाँ से आया तो यहाँ से आया फिर ऊपर से उड़ के आया कोई फर्क पड़ता नहीं है तो टीचर जो है स्टेट फंक्शन है उसके लिए और पेरेंट जो है पाथ फंक्शन है उसका मतलब वो सिंपल अब नोट करना इस बात को अब लिखो समझ में आ जाएगा ऐसे दोस थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड final state of system but independent of the
क्या सबको समझ में आ रहा है डेफिनेशन? सर हेडिंग क्या थी सर, एक और बार रिपीट करो ना। ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ उस सिस्टम का जो स्टेट चेंज हुआ है ना, उसके इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट उस पर डिपेंड होते हैं, परंतु वो इनिशियल से फाइनल वो स्टेट जो चेंज हुआ है, वो स्टेट चेंज कैसे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। वो स्टेट चेंज करने के लिए उसने कौन सा पाथ फॉलो किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, सर सूरज के लिए तो पाथ मुझे समझ में आ गया है सर, अलग अलग रास्ता समझ में आ गया है, पर ये सिस्टम के लिए थोड़े पाथ होते हैं ना, सिस्टम थोड़ी ना चल के जाएगा यहाँ से वहां से, है ना। तो सिस्टम्स के लिए कौन से पाथ होते हैं, पाथ के बारे में बात करेंगे आगे। कि सिस्टम का जब बदलाव होती है, सिस्टम जब चेंज आता है, वो चेंज आने के लिए उनके लिए थर्मोडायनेमिक डिफरेंट पाथ्स होते हैं, वो कौन से पाथ से हम बात करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस होता है उसमें, पर उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। वो चेंज कैसे हुआ हमें कोई मतलब उसे नहीं है, वो पाथ कैसे कोई फॉलो करो। अगर वही होते हैं पाथ फंक्शंस, घबराइए मत, बिकॉज ये बहुत आसान चीज है, और उसे क्या क्वेश्चन बताता हूँ, कौन से क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन करने का भी एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। पाथ फंक्शंस, तो इसका क्या डिफिनेशन हुआ इसका, दोस थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन पाथ, हाँ विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एज वेल एज ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये पाथ क्या होता है ना, ये पाथ थर्मोडायनामिक पाथ होते क्या है, किस प्रकार से एक सिस्टम अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, कौन से पाथ के माध्यम से। अब इससे क्वेश्चन कैसा पता है, क्या क्वेश्चन पूछता है आपको, कोई प्रॉपर्टी दिया रहेगा, इससे वॉल्यूम दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, है ना, वर्क दिया रहेगा, हीट दिया रहेगा, मास दिया रहेगा एग्जाम में, और पूछेगा ये पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन, या फिर बोलेगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाथ फंक्शंस, है ना, सेलेक्ट करो। तो बहुत सोपा है, सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन हमारे पास पूरे एंटायर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, देयर आर ओनली टू पाथ फंक्शंस, उनको याद रखो। स्टेट फंक्शन बहुत सारे, उनको याद मत रखो, किसको याद रखो, जो सिर्फ पाथ फंक्शन को, वर्क एंड हीट, ये दो ही है जो पाथ फंक्शंस। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछता हूँ वॉल्यूम क्या है, क्या बोलेंगे आप? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। ना भले ही आपने ये एंथैल्पी एंट्रोपी वर्ड सुना हो नहीं सुना हो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि पाथ फंक्शन दो ही है। तो कुछ भी एग्जाम में तुमको पूछ ले, कोई भी नया पहली बार तुम सुन रहे हो, पूछा है कौन सा फंक्शन है, बोलना है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन तो बस ये दो ही लोग है भाई, बाकी सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन। तो खत्म एमसीक्यू, इसके ऊपर जो आता है ये इतना ही आता है सर। हाँ जी सर, पाथ फंक्शन में इनिशियल फाइनल प्लस पाथ है ना, क्या बोले, व्हाट यू आर सेइंग, कैन यू रिपीट सर? मैं बोल रहा हूँ पाथ फंक्शन में इनिशियल फाइनल और जो पाथ लिया वो इंक्लूड होता है ना। हाँ, मतलब बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, जो पाथ फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वर्क हमने क्या बोला, पाथ फंक्शन, ठीक है ना। इसके मीनिंग क्या है, जब भी हम वर्क डन निकालेंगे किसी का भी, अभी आगे हम वो पढ़ने वाले हैं कैसे निकालें वर्क डन, तो वर्क डन निकालेंगे तो उस टाइम मुझे ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये कौन से पाथ से फॉलो किया है, नॉट जस्ट कि इसका इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या था, परंतु ये किस पाथ से ये टेम्परेचर चेंज हुआ है, उस पाथ के अनुसार वर्क का वैल्यू विल चेंज। पहले तो पाथ पढ़ लेते हैं कौन कौन से पाथ होते हैं, फिर हम समझेंगे हर एक पाथ में इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगा।
दो टी वन टी टू फिक्स है, यहाँ 200 केल्विन 300 केल्विन में गया हो, परंतु डिपेंडिंग ऑन द पाथ द वैल्यू ऑफ वर्क विल चेंज, उसलिए वर्क को हम पाथ फंक्शन बोल रहे हैं, पाथ पे डिपेंड है। पर वही जो बाकी प्रॉपर्टीज है, बाकी जो एंथैल्पी एंट्रोपी बोल रहे हैं, उनको पाथ से कोई पाथ से गया हो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा, एंथैल्पी विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, वही पाथ और शेप फंक्शन है। क्लियर? यस सर। पहले हम बात कर रहे थे कौन से पाथ कौन से हैं, थर्मोडायनेमिक पाथ। क्या इस पाथ को ही जो है बेसिकली यहाँ पे हेडिंग जो दे रहा था वो है प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चार। वैसे तो क्लासिफाई करने के लिए बहुत टाइप में कर सकते हैं, पर चार मेन टाइप में हम क्लासिफाई इसको करेंगे। पहला आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसो जब वर्ड आता है समझना कि आइसो इज रिफरिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर कहाँ से आ गया, तुम आगे बढ़ जा रहे हो, मैं तो आइसो के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम थर्मल के बारे में बात कर रहे हो, है ना? Yes, अकेला। तुम सिर्फ आइसो के बारे में, जब आइसो वर्ड आया मतलब कुछ तो भी सेम है, कुछ तो भी वहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ तो भी वहाँ पे सेम है, कुछ तो मीनिंग निकलता है। जब उन्होंने आइसो थर्मल प्रोसेस मतलब थर्मल रिफर्स टू टेम्परेचर, तो मतलब ऐसा प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, जहाँ पे टेम्परेचर जो है थ्रूआउट द प्रोसेस जो है टी को चेंज ना किया हो, टी remains constant, T remains same throughout the process, and it's called as isothermal process. The process in which temperature remains constant is called as isothermal process. लिख सकते हैं तो आप? Yes, sir, written. लिख लिया? हाँ, temperature remains constant throughout the process. तो अगर बताओ अगर temperature constant रहा, तो अगर मैं बोलता हूँ इस process में delta T क्या होगा, क्या बताएंगे? डेल्टा टी विल बी जीरो हियर, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ है आइसो कोरिक process. अब कोरिक, this core refers to volume. जहाँ volume constant होता है उसको कोरिक process बोलता है, ऐसे कोरिक process. यहाँ volume constant. The process in which volume remains constant is called as isochoric process. Delta V यहाँ पे क्या होगा? Zero. Isobaric process. Pressure remain constant. यहाँ pressure constant. The process in which pressure remains constant is called isobaric process. यहाँ delta P equal to zero. Done? So iso means throughout the process जो same रहेगा. हाँ, throughout the process ये बात constant है उसका. थ्रूआउट द प्रोसेस जो है प्रेशर आप चेंज करने वाले नहीं, जो स्टार्टिंग में लिया था एंडिंग तक वही प्रेशर रहेगा, तो फिर हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस है। अगर थ्रूआउट द प्रोसेस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे, समझ रहे? हाँ सर। चौथा है लिख लेना, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच सिस्टम डज नॉट exchange
तो एडियाबेटिक फ्लो जनरली जो है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है ना। आइसोलेटेड सिस्टम में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है बिकॉज वहां पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना। हमने देखा तीन टाइप के सिस्टम, तो थर्ड टाइप जो है थर्मस वाला जो एग्जांपल है वहां पे हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, हम आइडियली बात कर रहे हैं। तो वो वैसे सिस्टम के अंदर क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ कंडीशन हम बनाएंगे Q इक्वल टू जीरो, Q रिफर्स टू हीट, इसका कंडीशन है Q इक्वल टू जीरो, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, वी से Q इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली टोटल हीट कंटेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या होता है, जो टोटल हीट कंटेंट हो सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट होता है, टोटल हीट कंटेंट इज कांस्टेंट इन सिस्टम। तो एक्चुअली में डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो बोलना चाहिए, पर एडमिट डेल्टा क्यू ही बोलते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के, तो क्यू लिख रहा हूँ मैं, तो हर जगह क्यू ही बोलते हैं। टोटल हीट कंटेंट इन द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये चार थर्मोडायनेमिक पाथ्स में, अब इसके अलावा और भी प्रोसेस को हम बात कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, दिस कैन ऑल्सो बी टॉक्ड अबाउट, बट ये चार को मैं मानता हूँ प्रोमिनेंट प्रोसेस। नोटेड? Yes, sir. ये चार पास थे, तो ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, और ये चार पास भी यहाँ पे इंक्लूड हमने कर दिए। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं जी? हाँ जी, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? हाँ, चैतन्या में हो ना? हाँ सर। अगर आप चैतन्या में हो तो ये ऑब्वियसली बात ऐसे मान सकता हूँ, बिकॉज जो सेमिनार आपके संडे संडे को होते हैं, इतने बढ़िया सेमिनार्स होते हैं आपके वहाँ पे, है ना, तो आप सभी को तो ये बेसिक बात पता ही होगा कि हम कौन है। हम कौन है? Yes, ये अपेक्षा नहीं थी आप लोगों से मुझे। सर नहीं पता सर, ऐसे सर मनुष्य नहीं, वी आर स्पिरिट सोल्स, भगवान। अबे तू भगवान है, सब पता था ये सर, आत्मा बोलते क्यों नहीं आ रहा है, वी आर स्पिरिट सोल्स ना, दैट इज अ फैक्ट। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं या प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पूछे या फिर कोई कंपटीशन ने पूछे, सच्चा है बदलने वाला नहीं, नहीं। कोई नहीं। सर स्पिरिट सोल है सर, बायो में आंसर चेंज हो जाएगा ना सर, होमो सेपियन आ जाएगा। यस सर। अरे सर, तो प्रॉब्लम उनकी है हमारी नहीं ना। हाँ सर, ट्रूथ इज दैट वी आर स्पिरिट सोल्स, अब उनको नहीं बता कर सकते हैं, तो वहां पे एग्जाम लिखो, पर तुमको थोड़ी एग्जाम ले रहा हूँ अभी मैं तो मुझे तो हो सकते थे ना ठीक से आंसर। तो वी आर हमें लगा आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन सीरियसली लेते हैं बहुत। हां ठीक है, आपको लगा होगा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, समझ जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सही मायने बोल रहा हूं, वी आर स्पिरिट सोल्स, ठीक है ना। और यहां पे एक केमिस्ट्री ना जीवन का हर सिद्धांत जा सकता है, दो उतना टाइम जाता नहीं आपकी क्लास के अंदर, बिकॉज यहाँ पे मैं टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो केमिस्ट्री में हर टॉपिक में सीखने के लिए हजारों बातें हैं। यहाँ थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। अब देखिए, जो अंदर है वो क्या आत्मा है, और जो बाहर दिख रहा है वो क्या है, शरीर बॉडी है ना, बॉडी जो पंच महाभूत से बना है। बताओ क्या आत्मा बदलती है क्या? नो सर, नो सर, आत्मा बदलती नहीं है। उम्र है सर, कितने ही बदलाव क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आत्मा रिमेन्स सेम, नो चेंज एज इट इज। परंतु शरीर बदलता है क्या? हाँ सर। यस सर। देखो जो इन है, जो अंदर है वो बदलता नहीं है,
जो एक्सटेंसिव है बाहर है बदलता है, ठीक है ना, ये वर्ड्स को ध्यान देना आप, जो अंदर है इन वो बदलता नहीं है, जो बाहर है वो बदलता है। देखा आपने शरीर और आत्मा के एग्जांपल में, ठीक है, मैंने क्यों बताया, इसके माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट करते हुए हम याद करेंगे इसे, ताकि कैसे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब जो प्रॉपर्टीज बदलते नहीं है, जो प्रॉपर्टीज है ना अमाउंट ऑफ मैटर के बदलने से बदलते नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और जो प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं अमाउंट ऑफ मैटर के बदलने से बदलते हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आत्मा कभी बदलती नहीं है, शरीर बदलता है, जो बाहर है बदलता है, अंदर बदलता नहीं है, जो बदलते नहीं है वो इंटेंसिव, जो बदलते हैं वो क्या है, एक्सटेंसिव। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए वापस चाय कप लेते हैं, किसने लाया चाय कप, अथर्व ने लाया था। अथर्व ने भैया चाय पूरा कप भर के लाया था, कल्पना ने मुझे बोला सर मेरे घर में मुझे चाय नहीं मिलता है ना, दूध पिलाते हैं तो क्या मुझे आधा कप चाय मिल सकता है क्या, ठीक है, तो क्या करते हैं एक कप और लाते हैं। मैंने बोला, मैं उदार दिल का हूं ना जानते हैं आप, तो मैंने आधा कप चाय जो है कल्पना को दे दिया। आप बताओ पहले टेम्परेचर हमने मेजर किया तो हमारा टेम्परेचर मान लो 20 केल्विन था, और जैसे इसको मैंने आधा कप दे दिया, आधा है बचा मेरे पास चाय, तो क्या मेरा चाय का टेम्परेचर 10 केल्विन बन जाएगा, 10 केल्विन नहीं हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना अभी, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर के बदलने से, समझ रहे ना, ये मैटर है ना चाहे, अमाउंट ऑफ मैटर के बदलने से वो बदलता नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें डिपेंडेंट नहीं है। मैं तो अगर मैं चार कप में डालूंगा ठंडा पड़ जाएगा, अपने ठंडा हो जाएगा, ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, ठंडा करने के लिए बहुत गर्म है, थोड़ा तो थोड़ा डाल दीजिए उधर, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड नहीं होता ना मैथमेटिकली। तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, व्हाट अबाउट वॉल्यूम, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे पूरा कप था मान लेते 1 लीटर चाहिए था मेरे पास, उतना नहीं होगा फिर मान लेते हैं आधे लीटर डाल यहाँ पे, तो बाइट समझ में आ रहा है ना, ये हाफ लीटर हो गया अभी, अमाउंट ऑफ मैटर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब वॉल्यूम डिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो बदलता है, उसके क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स सर, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, आपको बात समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। व्हाट अबाउट मास, Extensive. What about density? Intensive. तुम एक ड्रॉप पानी लो या एक समुंदर पानी लो, डेंसिटी विल रिमेन सेम, 1 gram पर सीसी है ना, विल नॉट चेंज। What about viscosity? Intensive. है ना, viscosity, तुम एक चम्मच हनी लो या फिर एक बकेट हनी लो, उस हनी का विस्कोसिटी सेम ही रहेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आप सभी को समझ में आ गया डिफरेंसेस क्या है इसका मीनिंग? यस सर, यस सर।
एग्जाम्पल क्या टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी हीट टेम्परेचर लिखा हीट भी लिख सकते हैं आप स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस हो गया है ना एक्सेट्रा टाइम हो रहा है जल्दी करिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखाता हूँ ये मेरा टॉपिक था आज का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा कल है सर आपकी क्लास कल है ना ये टाइम पे नहीं कल दोपहर में ढाई से चार कल ना थोड़ा सा गड़बड़ होनी मुझे पता नहीं है कंफर्म नहीं है बिकॉज अगेन आई एम टुमारो मॉर्निंग कल सुबह 4 बजे मैं पुणे आ रहा हूँ पुणे में उर्ली कांचन है ना उर्ली कांचन हाँ तो गुरुकुल में मेरा विजिट है 2 डेज का मैं उधर ट्रस्टी हूँ गुरुकुल का तो आई एम गोइंग देयर तो सुबह निकल रहा हूँ तो वहां से क्लास लेने की कोशिश करूंगा मैं होपफुली वहां से रेंज मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं मतलब दिक्कत आएगी आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम देयर नाउ बिकॉज पहले दूसरे जगह पे था अभी वहाँ शिफ्ट हुआ है गुरुकुल सो वी विल सी बट हम 5 बजे मिलेंगे कल उसके बाद देखेंगे अगर रेंज ठीक से मिला तो क्लास होगा नहीं मिला तो नहीं होगा सिलेक्शन क्लास होगी चाय पानी करके जाओ सर चाय पानी कहाँ से करके जाऊँ आ जाओ सर हमारे घर पे आ जाओ सर एक बार आज जल्दी में आ जाओ ठीक है क्या हाँ सर वो आज सर आप सर मैं रहती हूँ आ जाओ तुम मुरली कांच में रहती हो नो सर गणेश नगर में रहती है झूठ बोल रही है क्या फटाफट लिख लिए 2 मिनट हमारे पास ये एंथैल्पी एंट्रोपी सभी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चिंता मत करिए जो वर्ड्स आप देख रहे हैं एंथैल्पी एंट्रोपी दिस विल बी सीइंग दिस चैप्टर इस चैप्टर के टॉपिक से इस चैप्टर के हीरो से स्टडी अबाउट दैट तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे वर्क और हीट के बारे में और कल अगर हम क्लास होता है तो वी विल टॉक अबाउट वर्क एंड हीट एंड इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर कल आ जाना सर घर पे गाड़ी भेजता हूँ सर यहाँ से दिखाई दोगे ना तुम दिखाई गाड़ी थैंक यू सर बाय 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 सर